हेलो दोस्तों, तो अब इस पार्ट में बात कर लेते हैं, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मैथ में क्या क्या अपडेट है हमारे लिए। ठीक है, 12th क्लास के इसमें क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो, जिसको समझ नहीं आया वहाँ पे वो नोटिफिकेशन पढ़ने से, तो वो यहाँ पे समझ सकता है बिल्कुल आसान भाषा में कि हमारे कोर्स में इस बार क्या आने वाला है। नवंबर दिसंबर जो टर्म फर्स्ट एग्जाम है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अभी मैं टर्म टू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टर्म वन है हमारा। ठीक है, जो कितने मिनट, जो कि हमारे 90 मिनट का जो पेपर होने वाला है, 90 मिनट का जो पेपर होने वाला है, ठीक है ना, उसकी बात हम करने वाले हैं। अब ये पेपर कितने नंबर का है ये मैंने आपको ऑलरेडी बिजनेस में भी बता दिया, आपको मैंने इंग्लिश वाले जो आपको मैंने बताया, इंग्लिश की जो वीडियो दी है मैंने उसमें अपडेट में बता दिया है। साथ ही साथ मैंने इकोनॉमिक्स की आपको अपडेट दे दिया है और अकाउंटेंसी का भी आपको अपडेट दे दिया। अब आप बात कर रहे हैं मैथ की, 90 मिनट का पेपर ये भी होने वाला है, वही 40 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स का पेपर है ये भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो इसमें सीबीएसई ने देखो इसको 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया है जो आपको ये देने वाला है एग्जाम में। पहला आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस, पहला कौन सा है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। नंबर टू एलजेब्रा, फिर कैलकुलस और फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपके 4 आने वाले हैं। 40 मार्क्स को किस तरह से उन्होंने तोड़ा हुआ है ध्यान से देखते हैं। पहला जो है वो 8 नंबर का है, यानी इस वे इसमें से आपको 8 नंबर का पूछा जाने वाला है। यहां से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, इधर से आपका 17 नंबर का और इधर से आपका 5 नंबर का। टोटल करके देख लेते हैं, 10 और 8 18, यानी 8 प्लस 10 18, यहाँ हमको हो गए 17 प्लस 5 22 हो गए। तो 18 प्लस 22 कितने होते हैं? 40 मार्क्स। क्लियर है ना। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है टर्म वन। कौन सा टर्म वन? जो एग्जाम होने वाला नवंबर दिसंबर में 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा 10 नंबर असाइनमेंट का अलग से है, वो बात छोड़ेंगे उसको बाद में। ठीक है, टोटल मिला के 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, कैसे? 40 नंबर का तो ये पेपर जो आपको देना है, 10 नंबर का असाइनमेंट है जो अलग से होगा उसको जाने दो। क्लियर, तो हमें बात इसकी करनी है। देखो, पहला अगर हम रिलेशन फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 1 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपके पास है, जिसमें से आपको 1.3 नहीं करनी है। 1.3 इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 1.3 नहीं करनी है, 1.4 आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया है, आपका कोर्स थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है, क्योंकि टाइम फ्रेम को देखते हुए और जिस तरह से सिचुएशन जो है पैंडेमिक, ये कोरोना जो आ रहा है दिक्कत कर रहा है, इसके हिसाब से देखा गया और जो लेट हुआ है ना, इसीलिए आपका ये 2 चीज़ें हैं ना यहाँ से हटा दी गई है, 1.3 और 1.4। अब पंगा ये कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये है कि सीबीएसई ने तो ये बोला है कि बाकी चीज़ें करनी है, इसका मतलब क्या हमें मिसलेनियस भी करना है? और मिसलेनियस में क्या 1.3 और 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? देखो, अब उसमें ध्यान से देखा जाए तो 1.3 और 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन मिसलेनियस में तो जरूर होंगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि जो 1.3 और 1.4 है आपको नहीं करना है, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिसलेनियस में होंगे वो नहीं करने। तो क्या समझ में आया है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिसलेनियस में होंगे हमें वो नहीं करने, तो इसका मतलब बाकी मिसलेनियस करनी है। सिर्फ 1.3 और 1.4 से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करने, बाकी हमें मिसलेनियस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना प्लीज। उसके अलावा 2.2 को इससे काट दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वाला जो आपका चैप्टर है उससे 2.2 को हटा दिया गया है आपका, मतलब डिलीट कर दिया गया इस बार के लिए। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। जिसको दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको वो नोटिफिकेशन पढ़ने में समझ में नहीं आया हो, वो समझ सकता है कि पहले वाले में से ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं जिसमें से सिर्फ इतना ही पोर्शन काटा गया और इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन होते थे वो काटे गए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिसलेनियस पूरी कट गई, पूरी नहीं कटी है, बाकी चीज आएगी। ठीक है, सिर्फ इससे रिलेटेड पोर्शन काटा गया है। उसके बाद है एलजेब्रा, इसमें भी आपका मैट्रिक्स और क्या था आपका डिटरमिनेंट्स, 2 चैप्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3.4 यहां से काट दिया गया है और यहां से 4.2 और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर मिसलेनियस में होंगे तो वो भी कट गए होंगे, बाकी मिसलेनियस आने वाली है। क्लियर, फिर कैलकुलस में आपके पास चैप्टर नंबर 5 और 6, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका एक चैप्टर होता है और दूसरा आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पोर्शन थोड़ा सा काटा गया है, जैसे 5.8 इससे काटा गया है, इससे 5.8 को काट दिया गया है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिसलेनियस में होगा तो वो भी कट गया होगा। क्लियर है ना। उसके अलावा 6 चैप्टर से 6.1 को हटा दिया गया और 6.4 को हटा दिया गया और इससे रिलेटेड अगर मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको नहीं करना है। बहुत ईजी भाषा में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मैं आपको चिट्ठा दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे रट्टा मारना। बिल्कुल देखो, आराम से मैंने 3 चीज़ें समझा दी। अब आती है चैप्टर नंबर 12, आई थिंक चैप्टर नंबर 12 है मैथ में। ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो कि 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, और इसमें से भी 12.2 को हटा दिया गया है, तो इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस में क्वेश्चन होंगे उसको भी हमें नहीं करना है, बाकी मिसलेनियस करनी पड़ेगी। क्लियर, तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि 90 मिनट में आपको 40 मार्क्स का पेपर करना है अटेंड,
40 नंबर का पेपर अटेंड करना है, ठीक है ना। और उसके अलावा 10 नंबर का एक असाइनमेंट बेस्ड भी होगा जो कि अलग से होगा, उससे इससे इनसे कोई मतलब उसका नहीं है, वो अलग से 10 नंबर का पेपर होगा जो असाइनमेंट होता है वो होगा, ठीक है ना। और उसमें आप आराम से अपने नंबर अचीव कर सकते हो। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गई है, अपडेट समझ में आ गई, तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले। और अगर आपके पास अकाउंट्स, इको, इवन बिजनेस, अगर ऐसे सब्जेक्ट्स भी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो कि उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आराम से समझाया गया प्रॉपर तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।